और एक और बड़ी खबर देहरादून से, गैरसैंण विकास परिषद की बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी इस वक्त बैठक ले रही हैं। पहली बार विकास परिषद की बैठक रितु खंडूरी की तरफ से ली जा रही है। बैठक से संबंधित विभागों के सभी अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। तो गैरसैंण विकास परिषद की बैठक है, उसकी शुरुआत हो गई है। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ये बैठक ले रही है, जिसमें तमाम जो विभागों के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। ये पहली बार है जब विकास परिषद की बैठक खुद रितु खंडूरी ले रही है, तो काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें जो संबंधित विभाग है बैठक से जुड़े उनके सभी अधिकारी मौके पर मौजूद है। आने वाले समय में गैरसैंण में विधानसभा सत्र भी होना है, लेकिन उससे पहले गैरसैंण विकास परिषद की यह बैठक अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है। इधर जोशीमठ में दरारें आने के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिफ्ट हो गया है। जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर इसे शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में 1972 से चल रहा था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और एक महीने पहले स्कूल और छात्रावास में दरारें आई थी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभी 46 बच्चे हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है। तो जोशीमठ में दरारें आने के बाद लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, और अब जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर इस विद्यालय को शिफ्ट किया गया है। 1972 से ये जो विद्यालय था ये चल रहा था, और एक महीने पहले स्कूल और छात्रावास में दरारें आनी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि स्कूल को अब शिफ्ट किया जाएगा। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 60 किलोमीटर दूर जोशीमठ से इस स्कूल को शिफ्ट किया गया है, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो एक तरफ एक्शन में लगातार प्रशासन देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो दरारें आने का सितम है वो लगातार जारी है। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई, जिसका वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया। क्योंकि हमारा विद्यालय आवासीय विद्यालय था, तो वैज्ञानिकों के द्वारा हमको ये सुझाव दिया गया कि यहाँ पर रहना उचित नहीं है, विद्यालय को शिफ्ट करने का उन्होंने आगे रिकमेंड किया। जिलाधिकारी महोदय ने इसमें संज्ञान लिया, और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कारण विद्यालय को राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय जोशीमठ से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय सहकोट चमोली में शिफ्ट किया गया है। उधर जोशीमठ आपदा के महीने भर बाद भी लोगों के पुनर्वास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। वो एजेंसीज ठीक से काम करें, ठीक से अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दें, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो जल्दबाजी के काम कभी भी अच्छे नहीं होते। देखिए, लोगों के सामने दिक्कत है, एक समस्या खड़ी हुई है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वहाँ के लिए कोई अच्छी मजबूत योजनाएं बनाएं, दूरगामी योजनाएं बनाएं, टिकाऊ योजनाएं बनाएं, तो योजना बनाने में हमको समय लग जाए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा बाद में, जो उसका सेकेंड फेज होगा, उसमें हमको तेजी करना चाहिए कि उसको हम जल्दी से जल्दी। वहीं यमुना घाटी में इस बार जातर को कराने की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके आयोजन 13 फरवरी से शुरू होगा और ये 5 दिन तक चलेगी। यमुना नदी के किनारे गंगनानी में इसका आयोजन होता है, और इसमें 50 गांव के लोग शामिल होते हैं। जातर को भव्य बनाने के लिए बैठक हुई, जिसमें सुझाव भी लिए गए। तो जातर का आयोजन इस बार होना है, जहां आपको बता दें कि 13 फरवरी से इसका आयोजन होगा। 5 दिन तक यह आयोजन चलता है। यमुना नदी के किनारे गंगनानी में इसका आयोजन होगा, और 50 गांव के जो ग्रामीण हैं वो इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। जातर को भव्य बनाने के लिए बैठक भी हुई, जिसमें तमाम जो लोग हैं, तमाम जो ग्रामीण हैं, उनसे सुझाव लिए गए। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष रहे अमनदीप चौधरी की हत्या हो गई है। देर रात घर में घुसकर गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई। कनकल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित घर पर हत्या हो गई। कई विवादों में फंसे अमरदीप पर गैंगस्टर लगा था। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष रहे अमरदीप चौधरी की हत्या हो गई है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। कनकल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित घर पर हत्या हुई है। कई विवादों में फंसे अमरदीप पर गैंगस्टर लगा था, और हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच की जा रही है।
तो रामनगर में पिछले दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई। पुलिस ने आरोपी महिला समेत दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक सौ बारह के माध्यम से और जिसमें डेड बॉडी प्राप्त हुई, डेड बॉडी का पंचनामा भरा गया और डेड बॉडी की पहचान रमेश चंद जो पूर्व सावलदे का रहने वाला है उसके रूप में हुई। ये जब पूछताछ की गई और इसकी मदर के द्वारा मानुली देवी के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें जो लड़का है दीपक और जो रमेश की वाइफ उन पर बाई नाम तहरीर आई तो उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने उसका मर्डर किया है। इधर हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में हाथी का आतंक देखा जा रहा है। राजाजी पार्क से सटे गांव में हाथियों के झुंड अक्सर उत्पात मचाते हैं। दरअसल हाथियों को आबादी वाले इलाकों से दूर रखने के लिए कई बार योजनाएं भी बनी मगर धरातल पर वो योजनाएं कारगर साबित नहीं हुई। तो आए दिन हाथियों का झुंड इस इलाके में देखा जा रहा है। कई बार योजनाएं भी चलाई गई लेकिन बावजूद उसके योजनाओं से कोई भी जो चीज है वो कारगर साबित नहीं हुई है। गन्ने की मूवमेंट के कारण क्योंकि गन्नों की खेती रहती है तो उसके चक्कर में कई बार जो है हाथी निकलते हैं क्षेत्र से, चाहे वो राजा जी का सटा हुआ क्षेत्र हो क्योंकि वही टाइगर रिजर्व है या आसपास की भी जो वन्य जीव जंतुओं वाली जो आबादी वाले एरिया है वहाँ से निकलते हैं। तो इसमें हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, हम लोग की टीम्स रहती हैं और हरिद्वार के अंदर बाकायदा टीम्स स्थापित की गई हैं, चाहे चोरियापुर की भी हम लोग बात करें, रशियाबाड़ की भी बात करें, श्यामपुर की भी करें तो हम लोग का स्टाफ जो है वो पूरा तैनात रहता है और जहाँ भी इस तरह की घटनाएँ होती हैं वो 24 घंटे इसमें तत्पर में लगे रहते हैं। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।